दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि आपसे बात करूं। एक दो दिन पहले मैंने लाइव चलाया था, कई दिनों बाद मैं लाइव कर रहा हूं अपने फेसबुक के ऊपर। ये आपसे मिलने का एक मुझे अवसर मिल जाता है। और भी साथी अभी जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ उनके नाम। लेकिन इंतजार करते हैं सभी साथियों को जुड़ने का, क्योंकि आज जो जिस विषय पे हम सब मिलकर चर्चा करने वाले हैं बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय जो युवाओं के सपनों को तोड़ देता है। युवा विश्वास करते हैं अपने माता पिता पर, और माता पिता के बाद युवा विश्वास करते हैं समाज पे, सरकार पे। ये विश्वास होता है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो लीडर हैं, जिनमें हमने विश्वास व्यक्त कराया है, वो देश को आगे बढ़ाएंगे। और देश को आगे बढ़ाने का मतलब होता है देश की हर एक इकाई को आगे बढ़ाना। और देश की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत इकाई कौन सी हो सकती है? युवा साथी। और पूरी दुनिया के अंदर जब हर छठा व्यक्ति भारतीय है, तो आप सोचिए कि भारत की क्षमता कितनी। लेकिन वो हर छठा आदमी, एवरी सिक्स्थ पर्सन नीड्स टू बी एजुकेटेड, शिक्षित हो, उसे अवसर मिले आगे बढ़ने का, एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और स्वास्थ्य में पूरा मजबूत, स्ट्रॉन्ग बाय हेल्थ। तो प्रधानमंत्री जी ये सारी बात करते हैं और एक एक योजना इस तरह से बना रहे हैं कि स्वास्थ्य भी बेहतर हो, सुविधाएं भी मिले। और आज ये पूरी की पूरी दुनिया सिमट के एक नौजवान के हाथ में आ जाए इस मोबाइल फोन के माध्यम से, तो दुनिया में जो बातें हो रही हैं, वो बात यानी सारी अपॉर्चुनिटीज इन नौजवानों को दिखे, मिले। बहुत सारे नौजवान अभी जुड़ गए हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, घड़ी भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि उसके बाद अपन सवाल जवाब करेंगे और आप सबसे बातचीत करेंगे। देखिए, जब मैं भविष्य की बात करता हूं, तो सबसे बड़ी बात आती है जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरियां। जब बढ़ता देश है और देश के अंदर सबसे ज्यादा तादाद आबादी नौजवानों की है, तो उन्हें अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के। सरकार में भी अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, और गैर सरकारी नौकरियों में भी अवसर मिलना चाहिए, बिजनेस में मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और हर सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या हम कहें कि पंचायती राज की सरकार हो, उन सब का एक ही सबसे बड़ा दायित्व है कि हम देश को आगे बढ़ने के लिए युवाओं को अवसर दिए जाए। अफसोस की बात कि राजस्थान में पिछले एक साल में 5 भर्तियां हुई और 5 भर्तियों के अंदर पेपर लीक के आरोप लगे। कुछ भर्तियों में तो सरकार ने माना कि पेपर लीक हुए हैं, कुछ भर्तियों में उन्होंने नहीं माना, लेकिन हर नौजवान ने यही बताया उसके सबूतों के साथ कि पेपर लीक हुए। आप देखिए कि सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई, उसमें पेपर लीक हुए, फिर नीट का एग्जाम हुआ, उसमें पेपर लीक हुए, जेईई भर्ती में पेपर लीक हुए, पुस्तकालय के अध्यक्ष जो टीचर्स का ग्रेड 3 का जो था उसके अंदर पेपर लीक हुए, और सबसे बड़ी परीक्षा जो रीट की अभी परीक्षा थी, जिसमें 26 लाख अभ्यर्थियों ने उसके अंदर इम्तिहान दिया, सुनते हैं तकरीबन 30,000 वैकेंसीज के लिए, उसके भी पेपर लीक हुए। 3 दिन तक सरकार बिल्कुल चुप बैठी थी, राजस्थान सरकार। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पत्रकारों का कि लगातार 3 दिन तक दबाव बना के रखा, एविडेंस के साथ उन्होंने अखबार में छापा, और फिर 3 दिन के बाद सरकार ने इतनी गिरफ्तारियां करी। ये 20 लोग हैं, ये अखबार से खबर है, और मैं नाम किसी के नहीं लूंगा, लेकिन इसके अंदर पुलिस वाले शामिल हैं, इसके अंदर अध्यापक शामिल हैं, इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। तो अब 20 लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं पूरे राजस्थान के अंदर, तो एक तरह से माना सरकार ने कि बड़ी बड़ी धांधली हुई है इसके अंदर। अब एक जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं निभा सकती नौजवानों के लिए, तो फिर कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी? युवा तैयार होकर इम्तिहान के लिए घर से निकलते हैं,
उससे पहले अपनी फीस भरते हैं, बहुत सी तैयारी करते हैं, न जाने कहां कहां पैसे उधार लेकर परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं। अलग अलग कहानियां आपको सुनने को मिलेगी जब आप नौजवानों से बात करेंगे, किस गरीबी से वो अपनी सरकारी नौकरी के लिए किस मेहनत से वहां पर जाते हैं और इम्तिहान देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। दिल टूट जाता है एक नौजवान का, उसका विश्वास जो है इस पूरे सिस्टम में उसका चकनाचूर हो जाता है। और राजनीति के अंदर अगर लीडर सिस्टम को नहीं बदल सकता तो सिस्टम में तो शामिल होने से कोई राजनीति नहीं हुई। आप देखिए कि सब लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये सिस्टम क्या है? मैं अभी आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत साहब को कहना चाहूंगा, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सर आप ही सिस्टम है, आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम में शामिल होना तो बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम को बदलना यह बहुत जरूरी है। आप देखिए किस तरह से केंद्र में छोटी छोटी खबरें लीक होती थी। सवाल यह उठता था कि देश जब बड़ा कोई निर्णय करेगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णय करेगा, तो वो भी इसी तरह लीक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए किस तरह से केंद्र में सिस्टम बदला, पूरे भारत के अंदर सिस्टम बदला, कोई खबर वहां से लीक नहीं होती है। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की खबर लीक हो जाए, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। पेपर छापने की जिम्मेदारी किसी कंपनी को दी जाती है तो इस सरकार को यकीन करना चाहिए कि वो पेपर लीक ना हो। इतनी मेहनत से स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी मेहनत खराब ना हो, व्यर्थ ना जाए। सिस्टम को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, चल रहा है। कितने साल बर्बाद होते हैं, 2 साल बाद रीट की परीक्षा आई थी, 2 साल तक लोग इंतजार कर रहे थे और हर साल लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, अपने बीएड इम्तिहान देते हैं और रीट की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो 26 लाख लोग इस भर्ती में बैठे, लेकिन उसमें भी नुकसान हो गया उन सबको और बहुत सी भर्तियां जो कोर्ट में अटकी हैं। यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट में जो भर्तियां अटकी हुई हैं उसका निवारण करा जाए। ये कह देना, मात्र ये कह देना कि भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है उसकी अब सब जुडिस है मामला, फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट में अगर मामला अटका हुआ है तो उसको कैसे ना कैसे करके सुलझाया जाए, क्योंकि खामियाजा नुकसान सरकार को नहीं हो रहा, वो युवाओं को हो रहा है। और अब तो एक नई बात सुनने को मुझे मिल रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आम युवा कह रहे हैं कि ये तो सरकार की चाल है, ये राजस्थान सरकार की चाल है कि ना भर्ती देनी पड़ेगी और ना किसी को, भर्ती निकालते जाओ लेकिन भर्तियां देने की जरूरत नहीं है, किसी को नौकरी देने की जरूरत नहीं है। आप भर्तियों का ऐलान करो, अनाउंस करो, फिर उसमें कुछ रोक लगा दो, उसका पेपर लीक करा दो या भर्ती को रद्द करा दो, उसके बाद वापस से नौजवानों को बोलो ये तो लीक हो गया, रद्द हो गई, अब हम वापस इम्तिहान करेंगे। तो अनाउंस भी करो और किसी को भर्ती देनी भी ना पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये रास्ते में सुनने वाली बात है, इसका मतलब विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब देखिए जब अनाउंस करा था राजस्थान ने कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए, आप में से कितने लोग हैं, आपके जानने वालों में से कितने लोग हैं जो उस भत्ते का आज तक इंतजार कर रहे हैं? ये किसी को नहीं देने वाले पैसा, ये तो पंचायतों का जो पैसा है वो भी अपने पास लेकर बैठे हुए। अब देखिए कांग्रेस का काम करने का तरीका, और मैं अभी तक मैंने जो बात करी वो गैर राजनीतिक बात थी, वो सिर्फ युवाओं के लिए बात थी, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं वो एक राजनीतिक बात कर रहा हूं। आप अंतर देखिए, आप देखिए कि पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह से सत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है। गांव गरीब महिला महत्वपूर्ण नहीं है, युवा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए जो योजना बननी है महत्वपूर्ण नहीं है। किस तरह से पंजाब में हर व्यक्ति सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान सरकार ने क्या काम कर, यही अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का, कभी कोई दिल्ली जा रहा है तो उसके लौटते ही कोई दूसरा दिल्ली जा रहा है, कभी 5 सितारा होटल के अंदर घेराबंदी करी जा रही है, पुलिस का नाकाबंदी हो रही है कि कोई यहां से निकलकर दूसरी पार्टी में ना चला जाए, क्या चल रहा है। दुख होता है मुझे क्योंकि सेना में रहा हूं,
26-27 साल सेना में रहने के बाद, वहां पर देश की सेवा करने के बाद, यही लगता है कि देश को कोई मजबूत लीडरशिप मिलनी चाहिए ताकि अंदर से देश खोखला ना हो। लेकिन अपने सामने राजस्थान पिछड़ते देख रहा हूं। आप ओलंपिक पदक भी देख लीजिए, क्या खेलों के अंदर राजस्थान कम है? राजस्थान हरियाणा से कहां पीछे है? युवाओं के की मजबूती के अंदर, उनके हौसलों में हम हरियाणा से कहां पीछे हैं? लेकिन एक बाउंड्री है हरियाणा और राजस्थान के बीच में, और उस बाउंड्री की वजह से कितना बड़ा फर्क है। हम खेलों में पिछड़ते जा रहे हैं, हम व्यापार के अंदर पिछड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर साल नए नए बेरोजगार इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इन लोगों को गिरफ्तार करने से सरकार की नाकामी छुपती नहीं है। अब राजस्थान सरकार क्या बोलेगी? देखिए, जैसे ही पेपर आउट हुआ, जैसे ही गड़बड़ी हुई, हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या शेखी मार ली जी? कितना पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और राजस्थान सरकार क्या बोलती है? हम FIR कर रहे हैं ना, तो आप ताली बजाए कि आप FIR कर रहे हो। मतलब सुरक्षा नहीं करनी, सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेनी, लेकिन यह कह देना कि हम FIR कर रहे हैं। FIR करना मतलब मेरी जिम्मेदारी खत्म, इसलिए आपको चुना है क्या? ये राजस्थान की जो पुलिस है, जो वर्दी पहनती है, ये सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा के लिए है क्या? ये आम जनता की सुरक्षा के लिए है? ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए है? आए दिन किसी के कनपट्टी पे बंदूक लगा देता है, उसके बाद मेहनत का पैसा लूट के ले जाता है, आए दिन बलात्कार की खबरें आ रही है, राजस्थान सरकार बोल रही है हम FIR लिखवा रहे हैं। कमाल है, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, कमाल है। और माफ कीजिए, लेकिन ये भी मैं खबरों से ही बोल रहा हूं, व्यक्तिगत लोगों की नौकरियां लग रही हैं, उनके तो इम्तिहान के अंदर बड़े बड़े नंबर भी आ रहे हैं। ये जो लिस्ट है, इसके अंदर पुलिस कर्मी है और अध्यापक है, किसकी जिम्मेदारी है राजस्थान में? होम, गृह मंत्रालय किसके पास है? शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? इससे ज्यादा कहने की क्या जरूरत है? एक तरफ राजस्थान, माफ कीजिए, एक तरफ पंजाब के अंदर देखिए, उसी तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी देख लीजिए। कहीं अगर मुख्यमंत्री हटाया जाता है, कहीं पर पूरा कैबिनेट हटाया जाता है, तो चूक नहीं होती, एक समर्पण भाव है। दुख होता होगा भले, लेकिन दुख अंदर रखना है, देश के लिए अंदर रखना है, समाज के लिए अंदर रखना है। अगर एक बड़ा आपने लक्ष्य रखा है, तो अपना लक्ष्य अंदर रखना पड़ेगा और समाज के लिए काम करना पड़ेगा, एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई खुल के सामने आ रही है, और इसमें पिस कौन रहा है? नौजवान पिस रहा है। मैं आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपके वो आपके जो सवाल है मैं लेना चाहूंगा। देखिए कहाँ से कैमरा घूमेगा, कहाँ से कैमरा घूमेगा भाई? अच्छा, अभी कैमरा घूम गया। अब मुझे बताइए कि आप कोई सवाल बताएंगे तो जरूर मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। मैंने जो बात रखी, अगर आप सहमत हैं तो बताइए, आपका कोई सवाल हो तो मुझसे बताइए। मैंने तकरीबन 15 मिनट में अपनी बात रखी है, लेट है समय, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेना चाहूँगा। आप सब ने भोजन कर लिया होगा, और मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं हमारी चलती रहनी चाहिए। ये सोशल मीडिया को आप हल्का मत समझिए। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से क्या होगा। आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना? इजिप्ट के अंदर अरब स्प्रिंग नाम से एक मूवमेंट चला, उस मूवमेंट ने इजिप्ट की सरकार बदल दी। इतने सालों से वहां जो डिक्टेटरशिप चल रही थी, उस डिक्टेटरशिप को बदल दिया। मैं देख रहा हूं कि महेश जी यहां पर हैं, विशाल यादव मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हरिओम जी कह रहे हैं कि भविष्य, बच्चों का भविष्य खराब हो गया, रीट परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। अब देखिए, इससे
आप सही कह रहे हैं हरिओम जी। अब इससे क्या हो रहा है, जो इस भर्ती में पीछे रह जाएगा उसके मन में तो हमेशा यह रहेगा कि देखो अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर ये धांधली नहीं होती तो शायद मैं पास हो जाता। कितने लोग इस परीक्षा में रह जाएंगे उनके मन में यही एक चोट रह जाएगी कि अगर मेरे साथ धोखा नहीं होता तो मैं इस परीक्षा में पास हो जाता। आप देखिए हम अपने नौजवान पीढ़ी के मन में कितना असंतोष पैदा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी सराधना ने अपनी बात रखी है, कह रहे हैं कि वो चंदवाजी से ही है, वो मेरा क्षेत्र है, और दुर्भाग्य की बात है कि पानी की व्यवस्था। अब देखिए फिर वही राज्य सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार एक इतना बड़ा लक्ष्य रखा कि घर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। उसके लिए केंद्र सरकार ने पैसे भी दे दिए, राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे। 2500 करोड़ का टेंडर अभी हुआ है, पहले क्यों नहीं हो सकता था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 करोड़ राजस्थान के लिए रखे हुए हैं कि आप इस्तेमाल करिए, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं। अब योजना केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार का इस लोकतंत्र के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम है कि पैसे राज्य सरकार को देना। अब जेसीबी लेकर मोदी जी तो यहां नहीं आएंगे, जेसीबी तो मुख्यमंत्री राजस्थान की ही टीम करेगी काम। तो ये इस तरह का जो काम है ये देखिए राजस्थान सरकार की बिल्कुल नाकामी है। ये शिवम कमल कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% सही कहा, एक युवा का दर्द। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी सोशल मीडिया की, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की सरकार को हिला सकते हैं। आप देखिए कम से कम लाखों नौजवान अभी इस वीडियो को देखेंगे और इसको शेयर करेंगे और वो करोड़ों लोगों तक जाएगा। राजस्थान सरकार को जगना पड़ेगा, और अभी भी समय है कि तुरंत जो कोर्ट के अंदर जो मामले चल रहे हैं भर्तियों के, उनको सुलटाएं, उनको सुलझाएं, और सुलझाकर नौकरियां नौजवानों तक पहुंचाएं। बहुत से लोग देख रहे हैं, आपका कोई सवाल हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। मैं आधे घंटे तक के लिए रहना चाहता था, तो अभी 5-1 मिनट और बाकी हैं। ये महेंद्र सिंह जी रोलानिया एक सुझाव दे रहे हैं, उन्होंने कहा पेपर लेने और देने वाले के लिए नॉन बेलेबल कानून बनाना चाहिए। देखिए एक सुझाव आ रहा है। मेंडी सिंह कह रहे हैं रीट क्वालिफाई एग्जाम करवा के एक और एग्जाम करवा दो सर। कितने एग्जाम करवाएंगे, लेकिन इम्तिहान जो हो वो सही हो। एक जिम्मेदारी नहीं ले सकती राज्य सरकार क्या इम्तिहान कराने की? केंद्र सरकार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले रही है, राजस्थान सरकार एक जिम्मेदारी नहीं ले सकती? और 5 इम्तिहान लगातार 1 साल के अंदर उसके पेपर लीक हुए हैं। एक हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो फौजी हैं और प्रेरित होते हैं मुझसे। आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार जी को अपनी बात कह रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि रीट परीक्षा का इम्तिहान दोबारा होना चाहिए। संदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में धांधली होना आम बात हो गई है। ये पुरानी इनकी जितनी भी इतिहास रहा है कांग्रेस का, पहले क्या होता था, इनकी जो नाकामियां होती थी वो पहले छुप जाती थी। पहले 2-4 मीडिया के हाउस होते थे, 2-3 अखबार होते थे, उन्हें सरकार दबा के रखती थी, कोई गलत बात उनके बारे में लिखती नहीं थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज तुरंत जो गलत हो रहा है वो तुरंत जनता के सामने आ जाता है, और ख़ास तौर से जो न्यूज़ वेब पोर्टल्स हैं तुरंत खबरें एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती हैं। महावीर जी बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार भू माफियाओं को बढ़ावा दे रही है और सरकार जमीन और गोचर भूमि पर कब्जा करवा रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। बैरवा जी आपको भी स्नेह भरा मेरा प्रणाम।
चलिए साथियों, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं आपको धन्यवाद दिल से दे रहा हूँ कि आप सब इस समय मुझसे जुड़े और अपनी बातचीत हो पाई। आपकी बात भी मैं सुन पाया, आपकी बात मैंने कुछ यहाँ पे सब लोगों तक पहुँचाई भी। ये पहली बार है जो मैं रात को 10:30 या 10 मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये समय अच्छा है तो अगली बार फिर इसी समय अपन करेंगे। ओम प्रकाश सैनी जी हैं, कहते हैं कि कांग्रेस अभी कुर्सी बचाओ की लड़ाई लड़ रही है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही ओम प्रकाश जी, सिर्फ यही व्यवस्था है उनकी कि इस 5 में अपनी कुर्सी कैसे बचा के रखना, जनता की सुरक्षा से कोई उनका लेना देना नहीं है। पिंटू कुमावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से मुक्ति चाहिए राजस्थान को। ये सब आपके सहयोग से ही संभव होगा और आप में ही वो ताकत है, आपके विश्वास की वजह से हमें ताकत मिलती है और उस विश्वास के लिए आपको धन्यवाद। आपकी ताकत हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम देश के लिए, हम सब मिलकर देश के लिए काम करते रहें। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये समय ठीक हो तो हम फिर इसी समय पर अपनी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।